तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मुक्तेश्वर में हो रही है काफ़ी ज़बरदस्त बारिश और ऊंची ऊंची जगहों पर बर्फबारी हो चुकी है। मैं अभी बाहर गया हुआ था और मैंने नज़ारा देखा बाहर का, तो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ सुबह के बेहतरीन नज़ारे अभी जिस समय जिस प्रकार से मुक्तेश्वर में हो रहे हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा हमारे ऐसे ही आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। अगर कल का ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाइए, ब्लॉग आ चुका है, उस पर भी पूरे दिन भर बारिश हुई जो मैंने उसकी कवरेज दिखाई है। और रात को मौसम क्लियर हो चुका था और सुबह फिर से लगभग 3-4 बजे से फिर से बारिश हुई और काफ़ी ठंडा हो रहा है। लगातार बारिश अभी चल रही है और ऊंची ऊंची जगहों पर बर्फ़बारी हो चुकी है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ बेहतरीन नज़ारे सुबह के, तो चलिए दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सुबह का अभी मौसम, सामने ऊंचाई पर देखिए बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ गिरी हुई है और हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए सुबह का टाइम है, अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ गिरी हुई है, ज़्यादा बर्फ़ तो अभी गिरी नहीं है। ये देखिए ऊपर, ये है थकुड़ बाबा एरिया टॉप, काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गिरी हुई है बर्फ़ आपको दिख रही होगी, ये देखिए। तो इस प्रकार का मौसम हुआ है पहाड़ों में, सुबह से ही रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मैं निकलता हूँ कसिया लेक के लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी कसिया लेक मार्केट में, सुबह दूध देने यहाँ पे आया था और हमें जाना है आज हल्द्वानी किसी इंपोर्टेंट काम के लिए। मैं आपको हल्द्वानी के भी नज़ारे दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ सुबह कसिया लेक मार्केट से क्या नज़ारे आ रहे हैं और क्या सामने मुक्तेश्वर घाटी में अभी माहौल बना हुआ है, क्योंकि सुबह आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही थी और मैंने आपको हल्की बर्फ़ दिखाई जो ऊपर टॉप में थकुड़ बाबा के यहाँ पर गिरी हुई थी। तो चलिए मैं आपको मौसम दिखाता हूँ कसिया लेक से और नज़ारे दिखाता हूँ सुबह के टाइम में किस प्रकार आ रहे हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी कसिया लेक मार्केट में, मैंने जैसे आपको बताया, और माहौल देखिए अभी कसिया लेक मार्केट का सुनसान माहौल हुआ है, बारिश हो रही है, वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनको सुबह कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है या दूध की डेयरी में अपना दूध पहुँचाने आते हैं। और व्यू देखिए सामने का, खूबसूरत ग्रीनरी, घना जंगल, और इधर को है मुक्तेश्वर घाटी में, अभी वहाँ आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का व्यू आ रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, बर्फ़बारी थोड़ी बहुत हुई है, ऊंची ऊंची जगहों पे बर्फ़ रुकी हुई है। तो फ्रेंड्स सामने है मुक्तेश्वर घाटी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ अभी भी बारिश हो रही है और पूरा यहाँ पर धुंध वाला माहौल बना हुआ है और शायद बर्फ़ भी गिरी होगी, काफ़ी ऊँचाई क्षेत्र है क्योंकि थकुड़ बाबा पर तो गिरी हुई थी। तो ये है नज़ारे और नीचे बंदर जा रहे हैं, अभी बंदरों को भी ठंडा हो गया शायद। तो ये कुछ माहौल है, अभी बढ़िया मौसम बना हुआ है और देखिए रोड। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं परबड़ा पे और ये है परबड़ा रोड और ये नीचे देख सकते हैं, इससे थोड़ा आगे परबड़ा बंगलो है। तो ये कुछ व्यू आ रहा है अभी मॉर्निंग के टाइम में, किसी काम के कारण यहां पर आए हुए थे। और खूबसूरत वेदर देखिए, अभी बारिश रुकी हुई है और सामने जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा बर्फ़, खूबसूरत मौसम बना हुआ है और खूबसूरत एरिया है परबड़ा का। और सामने जो व्यू आ रहा है ये है धानाचुली एरिया और जो ये सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे है एक्टर जॉन अब्राहम का भी बंगलो वहाँ पे बना हुआ है, मैं वहाँ पे मार कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं अभी परबड़ा से सुबह के टाइम में। तो हम निकलते हैं अभी हल्द्वानी। तो दोस्तों ये हैं कसिया लेक मार्केट के सुबह के नज़ारे, हम यहाँ से निकलने लगे हैं हल्द्वानी के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना है हल्द्वानी के लिए, तो काम निपटा के आते हैं, तो कसिया लेक से हम चल दिए हैं अभी। और अभी जा रहे हैं, ये जो रोड दिख रहे हैं आप, ये है भलुगाड़ वाटरफॉल रोड और सड़कों का देखिए पूरी नमी बनी हुई है पहाड़ों में, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश होगी है। ये देखिए सड़कों का हाल, अभी पदमपुरी एरिया पे हैं हम। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रुके हुए थे और दीपक यहाँ पे थोड़ा गाड़ी में पानी फेंक रहा है, थोड़ा गाड़ी गंदी हो गई थी। और ये रिवर बह रही है देखिए पास में, बढ़िया सी रिवर, यहाँ पे शांत माहौल था, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे रुके हुए थे और मैंने सोचा आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दूँ। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, जंगल के बीच में है, बढ़िया शांति है और सामने एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, जहाँ पे आते जाते यात्री अपना चाय कॉफ़ी जो भी है यहाँ पर आराम से ले लेते हैं। ये नदी बहती है यहाँ पे बढ़िया सी। तो दोस्तों मैं पहुँचा हूँ अभी खुटानी पे और यहाँ से निकल गए हम हल्द्वानी के लिए। तो मौसम देखिए यहाँ भी कुछ मौसम इसी प्रकार का हुआ है, हल्द्वानी में भी बारिश हुई है 1-2 दिन पहले और क्लाउड आसमान में देखिए यहाँ भी छाए हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली भीमताल पे पहुंच चुका हूं और मेरे लेफ्ट हैंड पे है भीमताल लेक, मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
तो दोस्तों आपने देखा भीमताल की शान, भीमताल की जान, खूबसूरत भीमताल लेक ने 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लेक है दोस्तों ये, और चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके ऊपर जो बना है खूबसूरत विला, काफ़ी रिटेनिंग वॉल लगाई हुई है। तो निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए। तो दोस्तों देखिए खूबसूरत मौसम हुआ है, और सामने जो एरिया दिख रहा है ये है नैनीताल का टॉप, नैनीताल की घाटियाँ। ऊपर देखिए क्लाउड छाए हुए हैं और उसके जस्ट नीचे नैनीताल घाटी, और जहाँ पर अभी हम रुके हैं दोस्तों यहाँ पर हिल्स व्यू रेस्टोरेंट पे, क्योंकि ये हल्द्वानी से जाते हुए रास्ते में पड़ता है और यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं। पहले मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए दोस्तों हिल्स व्यू रेस्टोरेंट जो है, यहाँ पर बैठने के बाद जो व्यू आता है बैक साइड में, कुछ खूबसूरत व्यू, अमेजिंग घाटी देखने की मिलती है और खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिल रही है। दोस्तों देखिए काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं, फ़ोटो अपना शूट करा रहे हैं। तो चाय पीने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए, और सामने बोर्ड देखिए दिल्ली यहाँ से लगभग 278 किलोमीटर दिखा रहा है, और हल्द्वानी काठगोदाम पे पहुँचने वाला है दोस्तों। और इस प्रकार का मौसम हुआ है हल्द्वानी पे आज, तो कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही है, लेकिन मौसम यहाँ पे 2-3 दिन पहले बारिश हुई है। और यह है गोला नदी जहाँ से हमारा सारा मटेरियल आता है कंस्ट्रक्शन का, रेता बजरी गिट्टी, काफ़ी बड़ी मात्रा में गोला नदी आई हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो फाइनली काठगोदाम पे पहुँच गए हैं दोस्तों, और हमें थोड़ा और आगे जाना है, कुछ काम है इम्पोर्टेंट, काम निपटाते हैं तो फिर निकलेंगे, काम निपटा के शाम को घर के तरफ को। ये हैं हल्द्वानी के नज़ारे दोस्तों, काफ़ी सुंदर नज़ारे, और काफ़ी बढ़िया मौसम हुआ है हल्द्वानी पे भी। हमारे यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूराई पे हल्द्वानी आ जाता है, हल्द्वानी शहर ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है दोस्तों। हमारे कुछ भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, कुछ भी हमें लेना होता है तो हल्द्वानी से ही सारा कुछ होता है दोस्तों, यही वो हल्द्वानी है। बार बार मैंने अपनी वीडियोज़ में जिसका जिक्र किया हुआ है, और कुछ दिन पहले यहाँ पर पीएम मोदी भी आए हुए थे, और देखिए उनके आने के उसमें काफ़ी रोड बढ़िया बनाई हुई हैं, रोडों के बीच में एक गमले रखे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया माहौल यहाँ पर बना हुआ था जब पीएम मोदी यहाँ पर आए हुए थे। तो दोस्तों अभी हम हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड पे, और यहाँ पर गाड़ी हमने पार कर दी, और यहाँ पर चल रहा है अभी इनका लंगर, जो सिख लोग हैं उनका यहाँ पर लंगर चल रहा है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा सुनो हो गई है, और यहाँ पर उनका लंगर चल रहा है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर गाड़ियाँ पार की हुई हैं। ये कुछ नज़ारे हैं अभी। तो फाइनली फ्रेंड मैं पहुंच चुका हूं कसैली मार्केट पर अपनी, हल्द्वानी से निकल चुके हैं, और अभी हो रहा है 5:19 शाम का, और यहां पहाड़ों में मौसम पूरा खुला हुआ है, दिन भर मौसम खुला हुआ था जैसा कि मुझे पता चला, और सामने मुक्तेश्वर घाटी देख, अभी हल्का हिमालय देखने को मिल रहा है, हल्की चमक आ रही है क्योंकि सनसेट हुआ है अभी अभी, तो हल्का हिमालय देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से निकलूँगा मैं घर की तरफ, और माहौल कुछ ऐसा है अभी शाम के समय में कसैली मार्केट पर, तो निकलता हूँ घर की तरफ को। दोस्तों मैं जाने लगा हूँ घर की तरफ को, और ये शाम के कुछ नज़ारे आ रहे हैं, खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है, मौसम पूरा खुला हुआ है, सुबह तो काफ़ी बारिश हो रही थी। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।